डायनोफ्लेजलेट, तो डायनोफ्लेजलेट को इसको बोलते हैं रेड टाइड। डायनोफ्लेजलेट के अंदर गाइनोलेक्स केटानेला गाइनोलेक्स आता है, इसको याद करो। सी का पानी रेड कलर होने का क्या कारण है बताओ? रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेलवाल डायनोफ्लेजलेट के कारण होता है। यूग्लेनाइड आता है, यूग्लेनाइड के मेंबर जो होते हैं वो उसमें यूग्लेना आता है, ये स्टैंडिंग फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसमें सेलवाल की प्लेस पर पेलिकल की कवरिंग पाई जाती है जो फ्लेक्सिबल होती है, याद रखना फ्लेक्सिबल है। उसके बाद आता है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड के अंदर याद रखना कि सेप्रोफाइट होता है, इसमें सेलवाल नहीं पाई जाती है। जब मास ऑफ बॉडी इकट्ठा होता है स्लाइम मोल्ड का फेवरेबल कंडीशन में तो उसको हम लोग प्लाज्मोडियम टर्म यूज करते हैं, और जब एडवर्स कंडीशन में इकट्ठा हो तो उसको फ्रूटिंग बॉडी टर्म यूज करते हैं। फ्रूटिंग बॉडी स्पोर बनाती है, स्पोर के बाहर सेलवाल पाई जाती है। सेलवाल का इसका स्पोर का डिस्पर्सल बाई एयर करेंट द्वारा होता है, ये पॉइंट ठीक है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। प्रोटोजोआ के लोकोमोटरी और आर्गन, लोकोमोटरी आर्गन और न्यूक्लियस के आधार पर फोर क्लास में बांट दिया गया। अमीबॉयड, सिलिएटा, फ्लेजिलेटा और स्पोरोजोआ। अमीबॉयड के अंदर सीडोपोडिया पाई जाती है, उसका एग्जांपल अमीबा एंटामीबा, एंटामीबा पैरासाइट है, अमीबा फ्री लिविंग है। सिलिएटा के अंदर सिलिया पाई जाती है, उसमें पैरामीशियम है। फ्लेजिलेटा के अंदर लोकोमोटरी आर्गन फ्लेजिला होता है, उसमें ट्रिपैनोसोमा है जिससे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है। स्पोरोजोआ नो लोकोमोटरी आर्गन, उसमें कंट्रेक्टाइल वैक्यूल भी नहीं पाई जाती है, और इसके जो मेंबर होते हैं स्पोरोजोआ के उसमें प्लाज्मोडियम आता है जिसको मलेरियल पैरासाइट कहते हैं, मोनोसिस्टिस आता है। इसके बाद आता है फंजाई। फंजाई को हेटरोट्रॉफिक कहते हो, ये एक क्लोरोफिलस होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। फंजाई की सेलवाल काइटिन और पॉलीसेक्राइड की बनी है। फंजाई का रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन और ऑयल होता है। फंजाई का स्ट्रक्चर अगर देखें तो थ्रेड लाइक ब्राउन कलर का हाइफी होता है। हाइफी के नेटवर्क का नाम माइसिलियम होता है। माइसिलियम पर अगर छोटे छोटे डिवीजन कटे रहते हैं तो उसका नाम सेप्टेट होता है। अगर डिवीजन नहीं है, बहुत सा ज़्यादा न्यूक्लियस है उसमें, तो उसको एसेप्टेट सिनोसिटिक कहा जाता है। वो फाइकोमाइसिटिस के मेंबर में पाया जाता है। फंजाई में ईस्ट ये यूनिसेलुलर होती है, इससे ब्रेड और बियर बनाया जाता है, इससे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी बनाया जाता है। फंजाई ज़्यादातर मॉइस्ट और वार्म ह्यूमिड प्लेस पर ग्रो करती हैं, प्रीफर टू ग्रो मॉइस्ट और वार्म प्लेसेस पर ग्रो करती हैं। लाइकेन एल्गी और फंजाई के बीच का एसोसिएशन है। माइकोराइजा, फंजाई का रूट ऑफ हायर प्लांट के बीच के एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। इसके बाद फंजाई के अंदर देखें रिप्रोडक्शन तीनों होता है, वेजिटेटिव होता है, सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन और बडिंग द्वारा होता है। ए सेक्सुअल स्पोर कुछ जैसे कोनिडिया होता है, जो स्पोर होता है प्लेनोस्पोर होते हैं। सेक्सुअल स्पोर जरूर याद करना, सेक्सुअल स्पोर में एस्को स्पोर, ऊ स्पोर, बेसिडियो स्पोर होता है। फंजाई के अंदर अगर एक सेल में दो न्यूक्लियस है तो उसको कहते हैं डाइकैरियन, जैसे ट्रिक है बैड, बी फॉर बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, डी से डाइकैरियन, टू न्यूक्लियाई पर सेल। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन प्रोसेस हो रहा है, ये भी पूछा जाता है सीक्वेंस। अगर प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है तो प्लाज्मोगैमी, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं तो कैरियोगैमी, फिर उसके बाद कैरियोगैमी के बाद डिप्लॉयड जाइगोट बन गया, उसको मियोसिस करके हैप्लॉयड बनाया जाता है, क्योंकि फंजाई की लाइफ साइकिल जो होती है ना वो हैप्लॉयंटिक टाइप होता है। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉयड है, इसलिए जाइगोट का मियोसिस होकर डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनेगा। फंजाई को चार क्लास में बांटा गया, फ्रूटिंग बॉडी, थैलस स्ट्रक्चर और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के आधार पर इसको चार क्लास में बांट दिया गया। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, डेट्रोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के मेंबर जो होते हैं सेप्रोफिटिक होते हैं, इनकी हाइफी एसेप्टेट सिनोसिटिक होती है, इसको एल्गल फंजाई के नाम से जाना जाता है। इसका एसेक्सुअल स्पोर इंडोजीनियसली होता है, इसका एग्जांपल याद करो राम, राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर। एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज को क्लब या सैक फंजाई कहते हैं, सैक फंजाई कहते हैं, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं ये जो होते हैं ज़्यादातर मल्टीसेलुलर है, केवल ईस्ट यूनिसेलुलर है। कहीं कहीं डेड डिकेइंग ग्रो, जैसे डंग पर, एनिमल डंग माने गोबर पर ग्रो करेगी तो उसको कार्पोफिलस टर्म यूज करते हैं। फंजाई का एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनियस माने बाहर है, और सेक्सुअल स्पोर एस्कस के अंदर इंडोजीनियसली होता है, ये अच्छा पॉइंट है। मोरल और टफल इसी ग्रुप के फंजाई होती है जो इडिबल होती है। इसका एग्जाम्पल याद करो पैंसी, पेनिसिलिनियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स और ईस्ट आता है। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक और बायोकेमिकल रिसर्च के लिए आती है। सेकेंड थर्ड क्लास है बेसिडियोमाइसिटी।
बेसिडियोमाइसिटिस के जो मेंबर होते हैं मैंने फंजाई को ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। बेसिडियोमाइसिटिस कुछ पैरासाइट भी होती हैं, सेप्रोफाइट और कुछ सिम्बियाटिक एसोसिएशन के रूप में भी पाई जाती हैं। इनके